वेलकम बैक टू अवर चैनल भाई। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस जोटे के बारे में। जोटा अगर किसी को सुन में नहीं आता भाई, तो वो है भाई ऐसे मतलब जो जाइंट गाड़ियां होती है उसको हमारे लोकल लैंग्वेज या फिर आप पंजाब साइड चंडीगढ़ साइड वगैरह में जाओगे तो इस गाड़ी को कहते हैं जोटा। मतलब ऐसे मॉन्स्टर लुक टाइप में जो गाड़ी आती है उसको कहते हैं। ये बेसिकली एक मतलब जीप ही है, DI इंजन के साथ में आती है और भाई ये होती है 4x2। तो भाई ये जो है कार, मतलब आप जीप या फिर जोटा जो शूट के लिए आया था, मतलब यहाँ पर डाक बंगले में आया था, तो जो जो एक्टर्स आए थे उनके जो फोटो है आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। और आप भाई ज़रूर से जानते ही होंगे, जो अपने तारे ज़मीन पर बेसिकली आपने मूवी देखी ही होगी, तो वो वाला जो एक्टर है वो इस गाड़ी को मतलब ऐसे उनका जो शूट था उसके लिए यूज़ हुई है ये वाली गाड़ी। तो भाई वो बेसिकली इस गाड़ी में आए थे और भाई ये जो गाड़ी है वो शूट भी हुई है और मतलब उसके अंदर वेब सीरीज़ के अंदर, तो वो अमेजोन प्राइम वगैरह पे आएगी, हॉरर वेब सीरीज़ है। तो बेसिकली अपन बात कर लेते हैं गाड़ी के बारे में। तो भाई गाड़ी है मतलब ये डीजल इंजन के साथ में आती है, 4x2 होती है और इसमें ये जो है बुलेट वाली लाइट्स जो लगती है, बुलेट में वैसी वाली लाइट जो है मॉडिफिकेशन के अंदर यूज़ होती है। फिर इसके ये छोटे छोटे से फेंडर्स, जो मुस्टैच बम्पर आता है वो, और जो फॉग लैंप है वो आपको ऐसी लोकल वाली जो मिलती है वो आपको देखने मिलती है। अगर आप बोलेंगे पावर स्टीयरिंग वगैरह है तो भाई यहाँ पर इसकी मोटर लगी हुई है, पावर स्टीयरिंग वगैरह जो है सब इसके अंदर आता ही है। इसके अंदर DI इंजन आता है, आपको बता नहीं सकते भाई, शूट की गाड़ी है इसलिए। और ये इसके बड़े से जाइंट मॉन्स्टर व्हील्स आप देख सकते हो भाई, 1 और 2, मतलब 2 हमारे हाथ की साइज जितना जो है, इतना जाड़ा जो है इसका टायर आता है और भाई ग्रिप वगैरह अच्छी देते हैं। भाई ये जोटा जो है साइड से ऐसा दिखता है, बहुत ज़्यादा मस्त लगता है और भाई ऐसे गेड़ी वेड़ी मारने के चक्कर में भाई बहुत ज़्यादा सही रहते हैं, वेलीफोन बनी है। तो भाई आप इसको प्रैक्टिकल यूज़ के लिए तो नहीं ले सकते, बट ऐसे गेड़ी वेड़ी मारनी हो सिरोही में या फिर आसपास कहीं घूमने वूमने जाना हो तो आप इसको जो अपने शेयर के लिए ले सकते हो। तो भाई इसकी जो इंटीरियर की अगर बात करो तो भाई इंटीरियर कुछ इस हिसाब से देखने मिलता है। ऑटो मार्केट इसके अंदर AC वगैरह लगाया हुआ है और भाई यहाँ पर जो है थोड़ा स्टोरेज के लिए जगह है। और भाई ये इसका छोटा सा स्टेयरिंग व्हील और भाई ये इसके सारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मतलब आपको स्पीड मिलती है, टेम्परेचर मिलता है और फ्यूल गेज वगैरह आपको जो है देखने को मिल जाता है। ये सारे इसके ये सिगरेट लाइटर पोर्ट और ये इसके शायद AC वगैरह के सारे कंट्रोल होंगे। AC तो मेरे को लगता नहीं भाई प्रैक्टिकल है इसके अंदर, बट लगने वगने में तो भाई 4 या 5 स्पीड का गेयरबॉक्स होगा, ये हैंड ब्रेक होगा और ये जो है 2 कैप्टन सीट इसमें जो है आपको देखने को मिल जाती है। भाई मस्त लगती है भाई गाड़ी देखने करने में, तो ऐसे इतनी बड़ी बड़ी लगती है ना तो भाई अच्छा लगता है देखने करने में। और भाई ये जो है इसका फ्लोर है थोड़ा रस्टेड हो गया अभी ऐसे, हालांकि तो एक तो जीप ही है तो भाई बहुत साल पुरानी होती है ये सारी गाड़ियाँ, तो वो ऐसे कंडीशन तो आपको रफ ही देखने को मिल जाएगी। तो भाई ये इसका छोटा सा स्टीयरिंग व्हील और बीच में ये वाला हॉर्न आता है और भाई ये इतना सा स्टेयरिंग है भाई, देखो ये इतना अल्टो से भी छोटा स्टेयरिंग व्हील है। ये सारे इसके इंडिकेटर के कंट्रोल और ये इसके वाइपर, वाइपर तो है नहीं, कहाँ पर डालेंगे भाई, ये वाइपर के कंट्रोल्स आ गए, क्लच ब्रेक और एक्सेलरेटर, पावर ब्रेक ही होगी मेरे हिसाब से तो। बट जो है गाड़ी दिखने करने में बहुत ज़्यादा शानदार लगती है और इसका हैंड ब्रेक तो सीट भी कम्फर्टेबल है भाई, ये आप देख सकते हो कम्फर्ट, हालाँकि फट गई है क्योंकि भाई ओपन रहती है, कितना ज़्यादा पानी वगैरह सब ज़्यादा है तो भाई उस हिसाब से ये ऐसी गाड़ी रहती है। तो भाई ये इसका पीछे से लुक है और भाई ये आप देखो कितनी ज़्यादा मस्त और जाइंट लगती है ना भाई, ऐसा लगता है ऑफ रोड क्या ही तगड़ा करती होगी। और भाई ये इसकी लाइट्स वगैरह जो कि आपने देखी होगी बोलेरो वगैरह में, तो वो वाली लाइट्स आपको देखने को मिलती है। और इसका जेरिकन वगैरह लगने का ये स्टाइल के लिए ऐसा एंटीना वगैरह लगाया हुआ है, मस्त लगता है भाई, यहाँ पर भी आप जेरिकन वगैरह डाल सकते हो। और भाई ये देखो कितनी ज़्यादा मस्त लगती है और ये देखो साइड लुक में ना बहुत ही ज़्यादा तगड़ी दिखती है, ये देखो कितना ज़्यादा मस्त लग रही है। और ये देखो इसमें ना भाई आपको सपोर्ट के लिए मतलब ऐसे तो नॉर्मल बार्स आती है, बट आप इसको जो है आप ऐसे रैप वगैरह करा के एकदम ऐसे ऑफ रोड वाला या फिर आप ओपन जीप वाला जो है मज़ा ले सकते हो आप बीच में खड़े होके भी। और भाई ये आपको लग रहा होगा साइलेंसर है, बट ये जो है नॉन वर्किंग है, बस इसको जो है स्टाइल के लिए लगाया जाता है ताकि भाई गाड़ी की जो लुक है वो तगड़ी बन जाए। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर जॉइंट है, बट यहाँ पर कोई भी इसका इंटेक या फिर एग्जॉस्ट का चीज़ नहीं लगी हुई, जैसे आपने दबंग पिक्चर में देखे होगा उसका मुँह जो है इसके अंदर डालते हैं, बट इसके अंदर आप मुँह डाल सकते हो, इसमें आपको कोई भी रिस्क नहीं रहेगा। तो भाई ये वाली चीज़ जो है एक मस्त दिखने को करने को मिल जाती है। भाई देखो भाई गाड़ी का जो लुक है वो कितना ज़्यादा मस्त लगता है और बड़ी बड़ी कितनी लगती है। और भाई इसको आप गेड़ी मार के जाओगे ना भाई कहीं भी
तो लोग भाई मुड़ मुड़ के जो रिएक्शन मिलेंगे ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल मिलने वाले हैं। क्योंकि भाई ये ऐसी गाड़ी ना कम देखने को मिलती है भाई। लोग भाई 3-4 लाख 5 लाख डाल के जो अल्टो ले रहे थे, ऐसे चाहिए ले लो भाई, पावर भी ज़्यादा मिलेगी और टोरा का टोरा भी बन जाएगा। बट अल्टो में फीचर है, बारिश से बचाएगी। हालांकि आप इसको भी जो है चेंज करा के इसके ऊपर जो है तिरपाल आता है वो आप लगवा के, वो जो आप लगा के जो है आप बारिश से भी बच सकते हो। अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है भाई, जिसको गेड़ी नहीं माननी है तो वो अपने हिसाब से करता है। बट इसका जो टोरा है ना भाई, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बट लगती बहुत ज़्यादा मस्त है। और भाई अगर आप गेड़ी के पर्पज़ से ले रहे हो तो वो आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना भाई, गेड़ी ऐसी मारो कि 4 लोग बोले कि क्या गेड़ी मारता है। हालांकि उसका कोई सेंस नहीं बनता है, बट गेड़ी के लिए। और भाई ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं है बताओ? इसके जो रीज़न है ना भाई, ये देखो, ये इतने ज़्यादा टायर लगाए तो घिसेंगे भी ज़्यादा। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा वर्न आउट हो गए, ये आप देख सकते हो। आगे वाला टायर तो देखो भाई, सफाई ऐसा हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला पतला हो गया। और ये भी टायर आपको इजीली नहीं मिलते, आपको जो है जहाँ से आपने ये गाड़ी परचेज़ की है वहाँ से ही आपको जो है ये वाले लाने पड़ते हैं। क्योंकि भाई ये भाई मॉडिफाइड टायर्स बनते हैं, मतलब कट कट के बनते हैं। आप देख सकते हो 2 टायरों या फिर 3 टायरों को मिला के ऐसे टायर बनते हैं, क्योंकि इतने जायंट टायर है। और ये भी मतलब जुगाड़ ही है एक तरीके से, बट आप इसको सिटी में तो लेके घूम ही सकते हो। तो भाई ये इतना ज़्यादा बड़ा टायर है ना भाई, आप देख सकते हो ये भाई पूरा भाई ऐसे बैठ गया है, कंफर्टेबली बैठा है ना। गाड़ी चालू नहीं हो गाड़ी चालू नहीं होते आ जाएगा भाई। टी टेबल का जैसे आप जो है इसको ले सकते हो, बाकी बहुत बढ़िया गाड़ी है। हालांकि इन लाइटों का रिस्पांस हो गया अच्छा नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई ये बुलेट वाली चाइनीज़ लाइटें आती है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ये वाला जो है हिसाब इसके अंदर जो है बैठ जाता है। बाकी गाड़ी लुकिंग में एक नंबर है। तो आज की ये वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और भाई गाड़ी पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर लेना। और भाई ये जो गाड़ी है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा मस्त लगती है, गेड़ी मारने के लिए मोस्ट रिकमेंडेड है अगर आपको सिटी में गेड़ी वगैरह मारनी है। हालांकि ये इलीगल गाड़ी है पूरी तरीके से, क्योंकि भाई इसके टायर्स वगैरह ऐसे है, और ये मतलब रजिस्टर वगैरह होती है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन भाई है इलीगल। बट आप गेड़ी मारने के लिए रात में जो है इसको यूज़ कर सकते हो, मस्त टोरा बन जाएगा आपको। तो भाई वेब सीरीज़ का अगर उस टाइम लॉन्च होगी तो आपको लिंक भी दे दूंगा कि कौन सी वेब सीरीज़ है। हम अभी हमको रिवील नहीं किया है भाई कौन सी वेब सीरीज़ है, अमेजोन प्राइम की। और जो 2 एक्टर हमको पता चले वो जो है यहाँ पर आए हुए हैं, उनका जो फोटोज़ वगैरह जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो भाई इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय। ऊपर से रिव्यू कैसा आएगा? रिव्यू बंदा आएगा।